सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये मैंने बना दिया है आज फिर से इडली और चटनी। इडली और चटनी बना दिया है नाश्ते में, ये सर्व करूँ। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, कल सुबह आज सुबह 4 बजे से जाग रहे हैं हम तीनों। क्या सुबह 4 बजे से हम तीनों जाग रहे हैं, फ्राइडे है आज, ये तीनों 4 बजे से जागे। और ये कोमल धैर्य, हम तीनों को सर्दी, मुझे तो है ही बट वो दोनों को भी बहुत सर्दी है। देखिए सुबह सुबह काढ़ा बना दिया है, सुबह 4 बजे उठ करके काढ़ा बनाया। 2 दिन से बोल रही हूँ इन लोगों को तो नहीं सुन रहे कि नहीं 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 हम लोग ठीक है, हम लोग ठीक है। आज दोनों के स्कूल की छुट्टी हो गई है, सर्दी हो जाती तो कैसे कफ पूरा जाम हो जाता, तो सांस ही लेने नहीं होता है। और जब से कोरोना हुआ है तब से तो भाई डॉक्टर के पास जाने का तो टेंशन रहता है कि वो तो बस खाली कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल चीज़ रहती है ना, फिर भी वो इतना ज़्यादा लिख देते हैं ना सारी प्रिस्क्रिप्शन, ये करा लो वो करा लो वो करा लो, नेबुलाइजर दे दो, ओह माय गॉड। इसलिए वैसे हमारे तो घर में ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की आदत ही नहीं रखी मैंने शुरू से। हाँ चाय बना दी है बेटा, दोनों ने अभी, कोमल ने भी गर्म पानी में हनी डाल करके पिया है। अभी बोल रही थी मैं पहले काढ़ा पीऊँगी, कुछ खाऊंगी नहीं, नहीं बेटा अभी इडली गरम गरम बना दिए तो पहले इडली खा लो गरम गरम, नाश्ता करके तो फिर काढ़ा पियो। काढ़ा पियो गरम पानी पी रहा है, गरम पानी पी रहा है बेटा। ये स्ट्रेनर पकड़ो, बिना शुगर वाली चाय पियो अच्छा रहेगा, कप पी ले। ये लास्ट हो गई है, ठीक है। ये मैंने मेरी चाय निकाल ली है, मैं भी बैठ के चाय पीती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता करती हूँ और बच्चे भी। गाइस देखो मम्मी कितने चाय पीते वो देखो, और ऐसे एक बार में बैठ के 2 पिए गए, 2 ग्लास पिए गए ऐसे, मतलब कितना कोई पीता है। आप लोग पीते हो इतनी चाय कमेंट में बताना, बाकी मम्मी कंटिन्यू करेगी अभी। देखो मेरे भी एक्सपर्ट हो गया। बाकी मम्मी बात करेगी अभी, और आप लोग कमेंट में बताना कि कोई इतनी चाय पीता है। देखो आप लोगों को तो मैं रोज़ दिखाती हूँ कि मैं इतनी चाय पीती हूँ, है ना। आप लोग ज़रा धैर्य को बता दो कि हमें तो पता ही है। जो चाय लवर्स होते हैं ना, जो टी लवर्स होते हैं, वो ऐसे ही पीते हैं चाय, टी पीते हैं चाय। नहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है, मैं कम करूँगी अभी, बट फिर भी धैर्य। आज इडली खा के बताओ कैसी बनी है इडली चटनी, आज डाला मैंने डाला तो आज तो स्वाद ही नहीं आने वाला है इन लोगों को। ठीक है आज फिर से इडली और चटनी बन गई है, इडली बना दिया है और चटनी, और ये मेरी चाय रेडी है, ये देखो चटनी के छींटे। अभी चाय लेकर के बैठी हूँ मैं, दूसरा कप, और साथ साथ में अपनी रील्स अपलोड कर दी है, अपनी रील अपलोड कर दी है, बहुत सारे काम रहते हैं। ये सारा भी सब करना रहता है फटाफट, वहाँ पर गद्दा लगाया, सोफे सही किए, सब काम किया, धैर्य कोमल को विक्स और बाँ पूरा लगा के उसको स्टीम दिलवा के वो सो रही है अभी, और धैर्य अभी गया है नहाने में, एकदम कड़क गर्म पानी से नहाओ जिससे थोड़ा अच्छा फील हो। अभी उसको भी मेडिसिन दूंगी, नाश्ता तो सबने कर लिया था, है मैं भी घर के सारे काम करने के साथ साथ, उसके बाद फिर अभी अपनी रील अपलोड की है, उसको आगे की भी शेड्यूल कर दी है। चाय लेके बैठी हूँ, ये सब करने लग जाती हूँ और मेरी चाय ठंडी हो जाती है पूरी, मैं भी क्या ही करूँ। बस प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे, जो भी लोग मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को स्प्रेड करें यार,
कि और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपने जानने वालों तक पहुँचाएँ, शेयर करें एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करें, व्यू करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी अपने कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं उन तक मेरे ब्लॉग्स को शेयर करें प्लीज़। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, कि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। और जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है ना, तो उसमें से अगर कोई गेमर है तो प्लीज़ मेरे बेटे के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मतलब उसके चैनल को भी व्यू करें, देखें उसे, उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। माँ की तौर है ही क्या, आप सब एक दूसरे के सपोर्ट से हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हे गाइस, ये देखिए धूप बहुत ज़्यादा है, मैं और कोमल हम दोनों जा रहे हैं हेयर कट के लिए, तो बस मैंने कॉटन का स्टॉल बांध दिया है, कोमल ने भी फेस कवर किया है, आपको दिखाती हूँ अभी नीचे। हाय शालिनी, हमेशा ही रहता है एकदम। अभी क्रिसमस में जाना है ना बर्थडे पार्टी के लिए, इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी के हेयर कलर, नहीं तो मैं भी और 2 महीना छोड़ने वाली थी। ये देखिए मेरे हेयर कट अच्छे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रही है? ओके ओके, हाँ आपको पूछ रही थी आप क्या कर रहे हो, मुझे लगा फोन पे। नहीं मैं आपको पूछ रही थी, ये देखो आगे से फ्रंट से भी मेरा लुक कितना अच्छा लग रहा है यार, बट है ना क्या करूँ, मेरे बाल इतने सिल्की है ना, ये जो सारी कटिंग इन्होंने ब्लोर ड्रायर करके मुझे हेयर कट दिया है ना, और इतना अच्छा अपनी कट को जो शो कर रहा है ना, वो एक वॉश में पूरी ऐसे हो जाने वाली है मेरी, मतलब ये मेरे बाल मुझे अच्छा मतलब अच्छा ऐसा फील गुड वाला फैक्टर नहीं आने देते यार, सीरियसली। कट कितना अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, अपनी बाल है। और ये फील अच्छे नहीं कराएंगे तो हम खुद ही फील कर लेंगे अच्छा, है ना। अब ये टर्न है कोमल का, कोमल के तो बाल अच्छे ही लगते हैं यार, कोमल के बालों की तो बात ही अलग है, नहीं क्वालिटी बहुत अच्छी बेटा, ऐसे मोटे मोटे हेयर भी होने चाहिए पता है, ऐसे मोटे हेयर मामा का देखो कितने सिल्की हेयर है, मतलब कितने बारीक है मेरे बाल, इतने बारीक है ना, ये ऐसे ए इसको क्लीन कर दो बेटा, ये आपके पास ब्रश होगी ना उससे निकल जाएगा। चलिए अभी कोमल का हेयर कट होता है तो आप खुश हो क्या, आप खुश हैं? मैं कोमल की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, क्या आप खुश हैं अपने बालों से? सब दिख रहा है,
ये बेबी ऐसी छोटी छोटी पोनी बना के तो बहुत ज्यादा खुश है ना। कोमल आपके कैट जैसे यहाँ पर है ना, रबर बैंड डाल दूंगी मैं, ठीक है? वापस अगेन छोटा बेबी, छोटू बेबी और फिर मोटू बेबी है ना। आप अपनी सर्दी जल्दी कवर कर लो क्योंकि छुट्टियां आने वाली है और हमको जाना है, हमको जाना है। ये सारी कॉमेडी जो है ना अपनी ब्लॉग में होती रहनी चाहिए, समझ आ रही है तुझे? आज कोमल के हेयर कट के पैसे मैं दूंगी नहीं और ये यहीं पे रहेगी, ठीक है ना? हेयर कट के पूरे मजे ले रही है कोमल, हाँ सारे पैसे यही वसूल करती है और मैं फालतू में अपने बाल कटवा के पैसे देने पड़ते हैं मुझे। देखो कोमल का हेयर कट हो गया है, अभी वो ड्रायर करेंगे अभी। इसके हेयर तो मुझे अच्छे लगे थे बहुत ज़्यादा। माइंड हैप्पी होना चाहिए, बाकी मेहनत में पीछे नहीं आता। हाँ बस ये देखो आगे से भी इतना दिन से हूँ तो उनका क्लाइंट भी बना के बैठा। अब लो मैं एक दो पिक्चर। आपका जो आईडी होगा ना गूगल आईडी, वही आपका हैंडल बन जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरा नंबर, आप अपना नंबर दे दो, मेरे चैनल पे डालना मुझे। देखिए हम आ गए हैं ये पानी पूरी खाने के लिए। कोमल को पानी पूरी खाना है, मुझे भी खाना था। पानी पूरी खाने का जो मजा है ना, यम्मी है। खाओ ना, खा तो मजा है। ये हमने खा लिया पानी पूरी और दाबेली ले लिया, दाबेली पार्सल। मार्केट एरिया में घूम रहे हैं पूरा। ये देखो पूरी रोड पे जो मार्केट रहती है वो पहले मैं और बच्चे बहुत आते थे ऐसे, क्या बोलते हैं, मार्केट में घूमने के लिए। पूरा मार्केट घूमते थे, खा पी के फिर ऐसे जाते थे हम। सर्दी की वजह से बहुत हैवी हैवी फील हो रहा था। शाम को मुझे भी बहुत ऐसे नींद आ रही थी, मैंने कहा नहीं अभी सोना तो है नहीं, सोते फिर बाद में रात को तो नींद आती नहीं है। ये देखिए इसलिए मैंने मंगाया ये गर्मा गर्म पड़े चटनी। अभी वो तीखी वाली चटनी बहुत ही ज़्यादा तीखी है तो कोमल को बहुत पसंद है और धैर्य को भी बहुत पसंद है। तो क्या तीखी चटनी से बड़ा खाएंगे तो थोड़ा सर्दी में तीखी चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, थोड़ा स्वाद, मतलब कभी तीखे से थोड़ा ऐसा झटका सा लगता है तो स्वाद आता है। और ये गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय की बहुत ज़रूरत थी मुझे। तो बस
ये धैर्य का एक गेम चल रहा है, एक गेम प्ले चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा फिर वो आएगा। तो धीरे से ये मैंने ढाक दिया है और सब लाकर यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया कि बस बैठे और खाए। ये देखो कोमल के फेस पे देखो कितनी स्वेलिंग है, कोमल देखो उसके फेस पे कितनी स्वेलिंग है सर्दी से, वो क्योंकि हम हेयर कट करवा कर आए, उसके बाद भी फिर उसने थोड़ा सा खाया और उसके बाद फिर उसने टैबलेट ली और सो गई। चलिए अभी ये खाती हूँ, हम लोग खाते हैं। देखिए ये मेरी बन गई है चाय गर्मा गर्म, ये मीठी चटनी आ गई है, ये तीखी चटनी और ये गर्मा गर्म वड़े, और रख दिया है पानी। बस अब वेट है कि कोमल भी आ जाए। कोमल आ जाओ, और धैर्य देखो धैर्य भी काम कर रहा है, तो धैर्य आप भी आ जाओ, सब आ जाओ फटाफट। गर्मा गर्म वड़ा खाते हैं और ये सबको सर्दी हुई है ना, तो ये तीखी चटनी बहुत ही तीखी है, तो ये तीखी चटनी से वड़ा खाएंगे ना तो सबकी नाक खुल जाएगी। हाँ ये देखिए मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं, मैंने कपड़े चेंज कर दिए, अपने नाइट सूट में आ गई हूँ। यहाँ पे लेटी हुई है, तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, सर्दी से कैसे रहता है ना सर। कोमल बंद करो बेटा, सर्दी से ऐसे रहता है ना कि बस वो सर बिल्कुल भारी भारी सा, कुछ अच्छा ही नहीं लगता ऐसे। मुझे भी फीवर की वजह से क्या बोलते हैं अंदर से इतना भारी भारी फील हो रहा है ना, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मतलब सर ही सर में दर्द बहुत ज़्यादा और भारी भारी रहता है, तो नींद आती रहती बस और कुछ नहीं। बस अब यहीं पर मेरे आज के ब्लॉग के को एंड करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, है ना। कि कल मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, कि कल मिलती हूँ आपसे नए फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बस लाइफ को एंजॉय करिए, और साथ साथ में मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ और मैं क्या करूँ, बिकॉज मैं इसमें नई हूँ, इतना ज़्यादा मुझे कुछ पता है नहीं। सो फिर भी और भी लोगों के देखती हूँ मैं ब्लॉग्स वगैरह, बट मेरा वही घर का घर में ही काम रहता है, बाहर का भी काम मेरे घर का ऑफिस वर्क भी मेरा घर पे ही रहता है और घर के भी काम रहते हैं, तो मैं क्या ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग के ज़रिए से पता ही चल गया, बहुत टाइम पर मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ, कभी छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए भी मार्केट वगैरह जाना होता है तो मैं वो शूट नहीं कर पाती हूँ, बट जैसे ज़्यादा काम के लिए जाती हूँ तो मैं शूट करती हूँ, और बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान भी नहीं रहता है। सो बस प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, और आप लोगों का सपोर्ट आप लोगों का प्यार बस ऐसे ही बना रहे और बढ़ता जाए, मेरी YouTube फैमिली बढ़ती जाए। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी ये फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जाए, जिससे एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा कनेक्ट बिल्ड हो जाए सीरियसली। चले मिलती हूँ आपसे मैं कल एक नए फ्रेश ब्लॉग में, बाय। आप लोग भी खुश रहिए, हम भी खुश हैं, है ना। चलिए बाय गाइस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।